हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ NS250cc के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। उसके लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा ताकि आप लोगों को इस बाइक के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जल्दी से जल्दी जाके वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो दोस्तों, आज मैं NS250 के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बहुत जल्द इंडियन मार्केट में बजाज और एक बाइक को लॉन्च करने जा रहा है 250cc इंजन के साथ। ऑलरेडी मार्केट में KTM 250cc है और साथ में बजाज का डोमिनर है। तो इस बार बजाज ने NS को थोड़ी बहुत अपडेट के साथ मार्केट में NS 250cc को लॉन्च करने वाला है और इस बाइक का प्राइस भी दूसरे 250cc बाइक से कम रहेगा और फीचर्स डोमिनर 250cc से ज़्यादा रहेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं इंजन के बारे में। दोस्तों, बजाज डोमिनर 250cc इंजन 250 में जो इंजन यूज़ करता है वही इंजन आप लोगों को अब NS 250cc में देखने को मिलेगा, क्योंकि बजाज NS के लिए दूसरा कोई इंजन क्रिएट नहीं कर रहा है। दोस्तों, वही डोमिनर वाला इंजन प्रोवाइड करेगा। लेकिन दोस्तों, इस बाइक में जो पावर मिलेगा वो डोमिनर से ज़्यादा मिलेगा। इंजन टाइप में आपको सिंगल सिलेंडर, फोर स्ट्रोक, SOEC, फोर बल्ब, लिक्विड कूल्ड FI सिस्टम। इस बाइक में आपको 248.77cc का इंजन देखने को मिलेगा। मैक्सिमम पावर की बात करें तो डोमिनर 250cc में आपको 27 PS का पावर आता है, लेकिन NS में आपको 28 से 29 PS की पावर मिलेगा। एंड 24 के आसपास आपको टॉर्क देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस बाइक में आपको ओनली सेल्फ स्टार्ट मिलेगा, किक ऑप्शन नहीं रहेगा। फ्यूल सिस्टम की बात करें तो आपको FI यानी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलेगा। क्लच टाइप में आपको स्लीपर क्लच मिलेगा इस बाइक में। और नंबर ऑफ गियर्स की बात करें तो आपको 6-speed ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये एक नेक्स्ट लेवल बाइक रहेगा। और दोस्तों, इस बाइक में आपको नया स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा, फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल रहेगा। और इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड किया गया है बजाज की तरफ से। उनमें से एक है गियर इंडिकेटर, फ्यूल लो इंडिकेटर और मोबाइल कनेक्टिविटी भी मिल जाएगा, क्योंकि सभी कंपनियां अपने व्हीकल्स में मोबाइल कनेक्टिविटी ऑप्शन आजकल दे रहा है। तो इसलिए बजाज भी अपने इस बाइक में मोबाइल कनेक्टिविटी का फीचर्स भी ऐड करेगा। और दोस्तों, सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको अप डाउन फॉक्स मिल सकता है इस बाइक में। और फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको 13 लीटर का मिल जाएगा। दोस्तों, टायर साइज की बात करें तो आपको रियर में आपको वाइट टायर मिलेगा। और ब्रेकिंग के मामले में इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा दोस्तों, और डुअल डिस्क में आएगी ये बाइक। फ्रंट में आपको बिगर साइज का डिस्क मिलेगा। तो दोस्तों, बस ये कुछ जानकारी NS 250 बाइक से रिलेटेड आपको देनी थी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो जल्दी से जल्दी जाके वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप लोगों के लिए हर वक्त ऐसा वीडियो लाता रहूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। मिलते हैं और एक दूसरे बाइक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।